इस वीडियो को मैं तीसरे टाइम शूट कर रहा हूँ। हर बार कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है, कभी वॉइस का प्रॉब्लम होता है, कभी मतलब इलेक्ट्रिसिटी का जो बैकअप प्लान है वो ख़त्म हो जाता है, राइट बैकअप जो रहता है। तो अब तीसरे बार शूट करूँ, होपफुली ये हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। आपके पास क्वेश्चन रहता है वाई आई टी, क्यों आई टी, आपको आई टी ब्रांच चूज़ करना है, आई टी में जाना है आपको, राइट। इसी पर ब्रांच चूज करना नहीं है, आई टी पर जाना है, आई टी में, आई टी फील्ड में जाना है, बीइंग ए नॉन आई टी नॉन कोर ब्रांच के स्टूडेंट, इस पर अपन बात करेंगे। तो इसको दो पार्ट में लूँगा, सिंपली मैं आपको आंसर बताऊँगा, तीन आंसर आपको दूंगा, अलग अलग एस्पेक्ट्स में आप रिलेट कर पाएंगे। और लास्ट में बताऊँगा, सेकेंड पार्ट में बताऊँगा क्यों भाई, क्या रीज़न है जो आपको कॉन्फिडेंस दिलाएगा जॉब को लेने के लिए, क्या रीज़न है जो आपके दिमाग में आपका माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग कर दे कि हाँ इस जॉब को मैं ले सकता हूँ, बिकॉज देयर आर सो मेनी वैलिड रीजंस आउट देयर, वो आपको बताऊंगा। तो पहले यहाँ पर आते हैं आंसर, पहले मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स सिर्फ आंसर चाहते हैं, इसलिए मैं सिर्फ आंसर पहले बता देता हूँ। पहला आंसर आप बताएंगे कैसा, जैसे मान लो जो भी आपका ब्रांच था, तो आपने एक आप बोलेंगे सर, बोलेंगे क्वेश्चन पूछेंगे वाई आई टी, यू आर फ्रॉम मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सिविल और व्हाटएवर इसी, तो बोलेंगे सर मैं जब फर्स्ट ईयर में था तो एक सब्जेक्ट आया था मेरे पास फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, जहां पर मैंने कंप्यूटर सीखना शुरू करा, और साथ के साथ मेरे पास मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के चीज़ें भी थे जो मैं पढ़ रहा था, लेकिन मैंने एक चीज़ रियलाइज़ करा कि कंप्यूटर जो मैं प्रोग्रामिंग सीखा था उसमें मेरे को बहुत इंटरेस्ट आ रहा था, उसी को देख के मैं लैपटॉप भी खरीद लिया और मैंने प्रोग्रामिंग जो सीखा उसको इम्प्लीमेंट करा, और साथ साथ मैंने क्या करा, मैंने बाकी जो आउट ऑफ सिलेबस ये थे वो भी थोड़ा करना शुरू कर दिया। क्यों? बिकॉज मेरे लिए यहाँ पर आसान था इम्प्लीमेंट करना और रिजल्ट फटाफट लेना। जो मैकेनिकल या फिर दूसरे ब्रांच जिसमें आप बिलोंग करते हैं वहाँ पर जो सब्जेक्ट पढ़ रहा था वो सारे मशीनें अवेलेबल थे नहीं, और वो इंप्लीमेंट करना भी बहुत डिफिकल्ट था, बहुत ज़्यादा रिस्की था, बिकॉज बहुत सारे आपको सेफ्टी प्रिकॉशन मेजर लेने पड़ते हैं बिफोर क्रिएटिंग एनी जॉब बाय यूजिंग मशीन। यू शुड नो फर्स्ट हाउ टू ऑपरेट दैट मशीन, एंड दैट टेक्स टाइम टू गेट एफिशिएंट इन दैट पर्टिकुलर ऑपरेशन और इन दैट पर्टिकुलर मशीन। बट इन केस ऑफ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, केस ऑफ प्रोग्रामिंग, आपको कोई गलती होता है कोई बात नहीं, दोबारा उसको ठीक कर सकते हो। यहाँ पर गलती मतलब गया भैया, जॉब बना रहे हो ज़्यादा कट गया, यहाँ पर क्या भाई ज़्यादा खराब हो गया, मान लो प्रोग्रामिंग आप बग निकाल दो, आपका एरर कोड आता है उसको निकालो सही हो जाता है। तो ये जब देख के मेरे को बहुत अच्छा लगा, फिर मैंने क्या करा, आपने करा अगर है ऐसा तो कर लेना, अगर जो बच्चे फर्स्ट ईयर के हैं या फिर जो चाहते हैं कि मैं आईटी फील्ड में जाऊं, वो आप क्या करिएगा, आप दिखा देना कि भाई मैंने गिटहब का मेरा प्रोफाइल है, वहाँ पर कुछ आप प्रोजेक्ट सबमिट कर रहे हो, कुछ काम कर रहे हो, स्टैक ओवरफ्लो पर आंसर दो, कोरा पर आंसर दो, एज वेल एज लिंक्डइन पर अपना प्रोफाइल को मेंटेन रखो, आप आर्टिकल्स लिखना शुरू करो लिंक्डइन पर, आप यूट्यूब पर वीडियोस बनाओ, और वो बोलना कि मैंने फिर क्या करा, मैंने बच्चों को सिखाना शुरू करा, या जो भी आपने काम करा वो बताओ। आपके आप अगर जॉब लेना चाहते हैं किसी फील्ड में, उस फील्ड में आपका एक्टिविटी का प्रूफ आपके पास होना चाहिए। हो सकता है आपको क्वेश्चन ही पूछ दें सी के बारे में, कुछ बेसिक क्वेश्चन, राइट, तो वो आपको पता होना चाहिए, बिकॉज ऐसे जॉब में नहीं मिलता, आपको नॉलेज तो होना चाहिए। मैं आपको आंसर बता सकता हूँ क्या देंगे, बिकॉज जो क्रॉस क्वेश्चन होगा उसका आपके पास आंसर पता होना चाहिए, समझ रहे हो। अच्छा दूसरा चीज़ क्या है, दूसरा मान लो आप मैकेनिकल से हैं, इलेक्ट्रिकल से हैं, सिविल से हैं, तो कैड के बारे में पढ़ेंगे, इसी से है तो आप माइक्रोप्रोसेसर के बारे में पढ़ेंगे, सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे, और सो ऑन, मतलब कोई भी आप इंजीनियरिंग ब्रांच में है तो उसमें कोई ना कोई रिलेशन रहेगा आपका कंप्यूटर के साथ। फॉर एग्जांपल आपने मैकेनिकल का बच्चा है मान लो, इसको रिलेट कर लेना बाकी ब्रांच के साथ, मैकेनिकल का स्टूडेंट वो क्या बोलेगा, सर मैंने कैड में डिज़ाइन सीख रहा था, वहाँ पर प्रोग्रामिंग नहीं सीख जरूरत होता है कैड में डिज़ाइन सीखने के लिए, बहुत से गलतफहमी रहता है प्रोग्रामिंग चाहिए ना, बिना प्रोग्रामिंग का आप कैड सीखेंगे, आप बोलेंगे आपका आंसर क्या हुआ, कैड में जब सीख रहा था तो मैं देखा कि ये प्रोग्रामिंग ये जो सॉफ्टवेयर है उसको बनाता कौन है, उसके लिए क्या चाहिए होता है, तो मेरे को पता लगा तो ये प्रोग्रामर बनाते हैं और उनके लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए होता है, तो मैंने मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्किल चाहिए होता है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना उसी प्रोग्रामिंग फील्ड में जाया जाए, तो मैंने फिर ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना शुरू करा, सी सीखा, सी प्लस प्लस का, जावा सका सीखा, फिर आपने जो जो करा उनको दिखाओ, अगर पूछते हैं तो कि सर मैंने यहाँ पर इस फील्ड में ये करा और मैंने इस वेबसाइट पर ये काम करा, मैंने यूट्यूब पर ये वीडियो बनाया, मैंने ये आर्टिकल लिखा, मैंने उस आंसर को लिखा कोरा पर या फिर बाकी प्लेटफॉर्म पर, मैंने गिटहब पर ये मैंने बेस बनाया, स्टैक ओवरफ्लो पर ये आंसर दिया, तो जितना भी ये चीज़ें हैं आप बताएं उनको। दूसरा आंसर, तीसरा आंसर क्या होगा जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और ये भी इंपॉर्टेंट है, आप बोलेंगे सर जब मैं थर्ड ईयर में था तब मैं रिसर्च कर रहा था, तब मैं नेट पर सर्च कर रहा था, रिसर्च मत बोलना थोड़ा बड़ा टाइम हो जाएगा, नेट पर मैं सर्च कर रहा था, बहुत लोगों से पूछ रहा था कि कौन से फील्ड में ज़्यादा ग्रोथ होगा,
तो मेरे को पता लगा इनके बारे में, IoT के बारे में बता देना, उसके बाद AI के बारे में बता देना, DS के बारे में बता देना, मशीन लर्निंग के बारे में बता देना, डीप लर्निंग के बारे में बता देना, जो आपका फील्ड है इससे रिलेटेड बताना। इनके बारे में मेरे को पता लगा और मेरे को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, मैंने कुछ कुछ पढ़ा भी इसके बारे में, कुछ नॉलेज भी लिया। फिर आपको पूछेंगे भाई क्या नॉलेज लिया ये तो बता दो हमें, क्या होता है तो बता दो, स्मॉल क्वेश्चन आपको क्रॉस क्वेश्चन पक्का होगा वेरीफाई करने के लिए, आप सच तो बता रहे हो या फिर रट्टा आंसर दे रहे हो, ठीक है। तो यही अगर बताते हैं ऐसे आंसर, तो अगर तीन में से एक भी आंसर तरीके से देते हो मोर देन एनाफ है टू गेट सिलेक्टेड। क्यों सिलेक्ट करेंगे आप, उसी पर आप चर्चा करेंगे, व्हाई दे विल सिलेक्ट यू। आपको उनको जरूरत है बेसिकली आपको हायर करना, उनका नीड है, क्यों मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से सुनना। ये कोई नहीं बताता है, बैक स्टेज जो होता है वो कोई नहीं बताता है, और मैं आपको बताऊंगा, दैट आई विल शेयर विद यू। फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है, लोग क्यों हायर कर रहे हैं, मतलब IT कंपनी वाले नॉन IT ब्रांच के बच्चों क्यों हायर करते हैं। फर्स्ट डिमांड और सप्लाई का प्रॉब्लम है, डिमांड एंड सप्लाई का प्रॉब्लम। डिमांड है मान लो 100,000 बच्चों का हर साल हमारे पास, उनके पास एबिलिटी है, जो कैपेबल बच्चे हैं IT फील्ड में काम करने के लिए, IT ब्रांच से या फिर CSE फील्ड से ही, ओनली 50,000 है, बाकी 50,000 कहाँ से आएगा, नॉन IT ब्रांच से। तो डिमांड और सप्लाई का प्रॉब्लम हो गया। दूसरा क्या है आपका, ध्यान सुनना, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लोग इसको मिस कर रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए, वो क्या है आपका, ध्यान सुनना, डिमांड सप्लाई प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम क्या है आपका, नीड। भाई उनको जरूरत है आपका, कैसे मैं आपको बताता हूं, जो IT कंपनीज होते हैं उनमें से मेजरली दो पार्ट में इनको डिवाइड कर सकते हो, एक क्या आपका सर्विस बेस्ड कंपनी और एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। देखिए प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में नॉन IT ब्रांच के बच्चे इतना नहीं होते हैं बट कम होते हैं। मेजरली जो हायर करते हैं आपका वो सर्विस बेस्ड कंपनी नॉन IT ब्रांच के बच्चों को हायर करते हैं, क्यों पता है, बिकॉज जो IT कंपनी है वो IT सॉल्यूशंस देते हैं डिफरेंट सेक्टर्स में, नॉट ओनली इन कंप्यूटर साइंस सेक्टर, मैकेनिकल वाला सेक्टर में और देते हैं टेक्नोलॉजी, EC में भी देते हैं, सिविल में भी देते हैं, इलेक्ट्रिकल भी देते हैं। अगर मान लो कोई टेक्नोलॉजी का आया रिक्वायरमेंट किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में, मान लो मैकेनिकल फील्ड में, तो अगर मैकेनिकल एक बंदा को तैयार कर दें, प्रिपेयर करवा दें कि भैया प्रोग्रामिंग सीख लिए हो, सिखा दें उनको, ट्रेनिंग तो सबको मिलता है जाके वहां पर कंपनी में, उनको ट्रेनिंग दे दिया, कंप्यूटर वाला पार्ट स्ट्रांग हो गया, मैकेनिकल ऑलरेडी आता है उनको, और मैकेनिकल क्लाइंट आया, तो प्रॉब्लम मैकेनिकल वाले को जल्दी समझ में आया क्लाइंट क्या प्रॉब्लम बता रहा है, फिर उस मैकेनिकल बंदा को पता है कैसे सोल्यूशन देना IT का यूज करके, इसलिए वो क्या कर, हर फील्ड में ऐसा, खाली मैकेनिकल की बात नहीं, हर फील्ड में ऐसा है, इसलिए वो नॉन IT ब्रांचेस के बच्चों को भी हायर करते हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर को पकड़ते हैं, जितने बड़े गाड़ियां हैं उसमें क्या IT का नीड है, डेफिनेटली है, इसलिए ऐसा होता है, दैट इज वाई दोज गाइज आर हायरिंग फ्रॉम डिफरेंट ब्रांचेस ऑल्सो, मतलब उनको जरूरत है। लास्ट बताऊंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपको समझ में पूरा आ जाएगा, ध्यान सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। IT कंपनी वाले को चाहिए 3 या 4 चीजें उनके पास होना चाहिए कैंडिडेट में, वो वहां पर गए हैं आपको सिलेक्ट करने के लिए, या फिर आप गए वहां पर तो वो चाहते हैं आपको बुलाए हैं, मतलब आपको सिलेक्ट करना चाहते हैं, आपको बस उनको एक वैलिड रीजन देना होगा कि व्हाई आई एम दैट कैंडिडेट। अगर उनको वैलिड रीजन उन्हें पता कर लिया आपके आंसर के जरिए, तो आपको मिल जाएगा वो पोस्ट, सिंपल सी बात है, समझ में आया क्या बोला मैंने, वो आपको जॉब मिल जाएगा, बिकॉज नीड है मार्केट का, दिस द नीड, राइट। अच्छा, जो स्किल चाहिए, क्या चाहिए होता है अगर IT में काम करना है, कम्युनिकेशन स्किल, यू शुड हैव साउंड कम्युनिकेशन स्किल, पहला। दूसरा, आप प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, पॉजिटिव एटीट्यूड, कभी भी आंसर में नेगेटिव बातें मत करना, पॉजिटिव बातें करो। और तीसरा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो क्या है, ध्यान सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो क्या है, पॉजिटिव एटीट्यूड तो चाहिए, साथ में वो चाहते हैं कि आपके पास बेसिक स्किल फंडामेंटल क्लियर हो, लाइक MS Excel आपको अच्छे से पता होना चाहिए, इस पे काम बहुत, एक बड़े काम का चीज़ है। और इसके अलावा और एक लास्ट बताऊंगा, बच्चा जो है ना, जो कैंडिडेट है वो रेडी टू लर्न मोड में हमेशा होना चाहिए, बिकॉज टेक्नोलॉजी चेंज हो रहा है, डिफरेंट नया प्रोजेक्ट आएगा तो नया कुछ सीखना पड़ेगा आपको, सेम कंसेप्ट से आप हर प्रोजेक्ट को बना नहीं सकते हो। तो ये क्वालिटी अगर आपके अंदर है तो आप बड़े प्यार से जॉब ले सकते हो IT कंपनी में, नॉट ए बिग डील, बिकॉज देयर सो मेनी स्टूडेंट्स ऑलरेडी गॉट जॉब
with very good package. They are also from non-IT branch, right? तो ये था वीडियो में. आई होप यू गॉट द आंसर. थैंक यू वेरी मच. गॉड ब्लेस यू ऑल. बाय बाय.